हमारा ये जो है ये अकेला हो गया, अब इसके लिए भी मुझे लेके आना पड़ेगा। अब मैं इसको कहता हूँ कि कोई इसके पास बर्ड है तो वो मुझे दे, ताकि ज़रा ना ये भी थोड़ा सा सही हो जाए, नहीं तो ये भी स्ट्रेस में चला, बर्ड जो है ना वो स्ट्रेस में भी चला जाता है। ये ना हो कि ये बर्ड जो है वो अकेला रह रहे के स्ट्रेस में चला जाए, इसलिए मैं इसके साथ का जो है ना कोई पेयर ले के आऊँगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ज़बरदस्त। तो भाई खुश आमदीद एक न्यू ब्लॉग में। यार आज सुबह सुबह ना एक सैड न्यूज़ हो गई है। मेरा बर्ड ना बड़े दिनों से बीमार था, मतलब कि बड़े दिनों से नहीं, 2-3 दिन से ना मुझे बर्ड थोड़ा सा ना सुस्त सुस्त लग रहा था। मैं कह रहा था पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। परसों मैंने बर्ड को देखा, बर्ड ना नीचे बैठा हुआ था, फिर थोड़ा सा खुला हुआ था, नीचे बैठा हुआ था साइड पे ना, ये इसके साथ नहीं बैठता था। ये है ना जो ये नर है, ठीक है, किधर गई, ये है, तो इसके साथ नहीं बैठता था। मैंने कहा पता नहीं बर्ड को क्या हुआ है, मैंने इग्नोर किया। एक दिन अगले दिन ना मैंने बर्ड को देखा, बर्ड फिर थोड़ा सा ढीला था और नीचे ही बैठा हुआ था। मैंने बर्ड को पकड़ा, मैंने उसको चेक किया, मैंने कहा यार बर्ड को पता नहीं क्या मसला है क्या नहीं। तो मैंने उसको चेक किया, पीछे से मोशन, हमेशा ना मोशन लगे होते हैं बर्ड को तब कमज़ोर होता है। मैंने बर्ड को चेक किया, बर्ड को मोशन नहीं था। तो मैंने कहा शायद यार कोई और मसला है। फिर मैंने सोचा चलो ना इसको ऐसे ही रहने से, तो फिलहाल देख लूँगा क्योंकि मसला है। रात को मैंने बर्ड को फिर, बर्ड काफ़ी कमज़ोर, मतलब कि मैंने बर्ड को उठाया, बर्ड बिल्कुल ऐसे जैसे ना ख़त्म होने वाला। तो मैंने उसको उठाया और उठाने के बाद मैंने उसको जब देखा तो उसको मोशन इतने गंदे लूज मोशन लगे हुए थे। वो रात को मुझे भी समझ नहीं आया, रात को भी मैंने किया, मैंने पानी निकाल दिया। मैंने कहा चलो सुबह मैं उसे गुड़ वाला पानी डालूंगा और ना ये पिएगा बेहतर होगा। फिर इसे फ्लैजल डालूंगा, फ्लैजल ना इनको देने से ना 2-3 दफ़ा तो इनका जो मोशन है ना वो ठीक हो जाता है। पर अभी सुबह में उठा हूँ तो मैंने कहा सबसे पहले ना फ्लैजल लेके आता हूँ, तो फिर ना मैं अपने बर्ड को दूंगा। तो बर्ड जो है वो सुबह देखा तो बर्ड जो था एक्सपायर हो गया। यार ये देखो बर्ड एक्सपायर हो गया, सुबह आया हूँ दाने में पड़ा हुआ था। यार बड़ा प्यारा बर्ड था, मेरे भाई एक ही जोड़ा था पर लगा हुआ था तो अंडे नहीं देता था, बट फिर ना यार बड़ा दुख होता है यार जब बर्ड एक्सपायर होता है ना, बहुत ज़्यादा दुख होता है। पहले भी मेरा एक बर्ड एक्सपायर हुआ, उसको पता नहीं क्या मसला था। ये मेरे पास जब से मैंने परिंदे रखे हैं दूसरा बर्ड जो है ना मेरा था एक्सपायर था। बर्ड के साथ ना लगाव हो जाता है बंदे को, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो जब उसको कुछ होता है या फिर वो एक्सपायर हो जाता है ना, फिर इंसान को बड़ा दुख होता है। बेशक आपके पास जितने मर्जी बर्ड है ना, मेरे पास ये कितने बर्ड हैं अभी, ये देखिए नीचे भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ऊपर भी रखे हुए हैं। अब बस क्या कि जो भी जिसको भी कोई भी मसला होता है ना इंसान को दुख होता है। फिर उसको मेरे अगर मुझे पता चल जाता ये इस तरह कर रहा है, मैंने तो इसको उसी टाइम मतलब कि ले लिया। 2 दिन से मैं इसको 3 दिन से नोट कर रहा हूँ। आज मैंने इसे सोचा था कि रात को मुझे पता लग गया इसको मसला गया, मैंने सुबह उठते सार ही काम करना था, फ्लैजर लेके आके इसको डाल दिया, बट वो है सुबह में उठा तो खत्म एक्सपायर हो गया था। चलो पता नहीं क्योंकि क्योंकि बस टाइम उसका पूरा था तो उसके जाने ही जाना था, मैं जो मर्जी कर लेता तो मुश्किल था। पर यह एहतियात तो ज़रूरी होती है, पर कोई नहीं अल्लाह का हुक्म। देखते हैं अब इसको बैठ जाके मैंने दफनाना है, ठीक है। मैं बर्ड को फेंकता नहीं हूँ इसी तरह, मैंने शॉपर में डाल लिया। ये देखिए अभी भी इसको लूज मोशन लगे हैं, रात को मुझे नज़र आया यार। तो अब इसको लेके जाऊँगा मिट्टी में जाके ना दफना दूँगा, इस तरह कूड़े में नहीं फेंकता मैं बर्ड को ना अपने। चलो जाके इसको कूड़े में तो नहीं फेंकना, और अब इसको दफनाना है, वो दफना के आते हैं। सुकून वाली शाम, अल्हम्दुलिल्लाह। पर हवा यार बिल्कुल भी नहीं चल रही, ठीक है, बहुत ज़्यादा ना हबस है। पर अभी इस टाइम छत पे सुकून है क्योंकि 7:45 का टाइम हो रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सुकून है। बर्ड्स मैंने खोले हुए हैं वो देखो, सॉरी अभी जो है ना वो रात का टाइम हो गया, मैं अपने बर्ड को जो है ना वो मिट्टी में दफन करने जाने लगा हूँ।
क्योंकि इस तरह मैं बर्ड को कूड़े में तो कभी भी नहीं फेंक सकता। तो भी करते हैं, सामने दरख्त है, दरख्त की मिट्टी जो है ना उसके अंदर दबा देंगे इसको। चलो हैं बर्ड्स, ठीक है दी है। आज हम तरपाल लगाने लगे हैं, उस दिन मैंने लगाई थी बट वो वाली सही नहीं है ये। अब बड़ी तरपाल हमने तीन चार जो है ना वो सी के एक बनाई है, तो अब इसको हम लगाते हैं। अरे गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, मुझे दे दो। उस दिन ना अम्मी ने ये ड्रिल करके ना सुराख करवा लिए थे ऊपर, ये देखे ये लगाए हैं कील उसने ना, ये सारे कील लगे हुए हैं। तो अभी ये ढक्कन के ढक्कन में लेके आया हूँ 8-10 ना, जैसे फ्लेक्स लगती है ना ढक्कनों के साथ दीवार पे, वैसे मैंने इधर लगाने की कोशिश करने लगा हूँ। ये भी लगा दूँगा साथ, ये भी लगा दूँगा ताकि पकड़ जो है ना वो पक्की हो जाए। तो अभी मैंने पेचकस मंगवाया है ऊपर, इनको पहले पेचकस से खोलना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं खुलेंगे। तो ये सारे ये चार लगे हुए हैं, बस ये चारों खोलते हैं, उसके बाद जो है कुछ प्लास के साथ पेचकस के साथ इसके साथ टाइट हो जाएंगे, कुछ जो किलों के साथ लगा दूंगा ताकि मजबूती पकड़ लेंगे। एक लगा दिया मैंने यहाँ पर, अल्लाह खैर करे फटेगी भाई, उतरे उतरने वाला तो सीन खत्म हो गया। देखो बस पक्का पक्का फटेगी, बस इधर से पानी सारा नीचे को जाता रहेगा। ठीक है, बारिश अब ऊपर नहीं आएगी। चलो अब नमाज पढ़नी है, जाके भाई नमाज पढ़ लें। فالنور أشرق في تخرج طفلاتي يا غيمات الأفراح هلي وانثوري غيث البشائر في زهور سعادتي واستبشري يا شمس عند شروقك فالنور أشرق في تخرج طفلاتي ميس الحبيبة بالنجاح تألقت وتسلقت فرحا جبال الهمة وسمت بها كل الشمائل رفعة ميس الحنونة ذات أجمل بسمة ميس الحنونة ये दोनों आपस में गाड़ी के बारे में भाई लड़ रहे हैं। मैं बर्गर का वेट कर रहा हूँ बैठ के, वो कह रहा है अपनी गाड़ी लेके आओ, ये कह रहा है मेरी गाड़ी वहीं पे खड़ी रहे। बर्गर बुर्गर खा चुप करके, स्पाइसी सोडे मंगा लो। भाई आज कल लोग यहीं पे करते हैं एंड, अभी मैं फैसल वगैरह से बर्गर बुर्गर खा के अभी वापस आया हूँ घर। तो बस ऐसी भूख लगी हुई थी, पास ही मैंने उसको कहा कि यार भी बर्गर शर्गर पास से खिला दे, कहीं दूर जाने की हिम्मत नहीं है। तो बर्गर खाया, थोड़ा सा शुगर शुगर लगाया। ठीक है, मैं तो फैसल आपस में आए हैं, फजूल में लड़ रहे थे, मैंने कहा चलो इनको भी बीच में ले लेते हैं। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बाइक को लाजमी जो हमें याद रखा करें। Yeah.